आई होप आप सब ठीक ठाक है खैरियत से हैं और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आपके आम, रिस्पांस के लिए बोक स्टूडियो के पाकिस्तान दे स्पेशल सॉन्ग आओ ऐहद करें वाले रिएक्शन पे जो आपका रिस्पांस था उस पर उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत ज़्यादा दुआएं मिली थी बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट्स आए थे साथ साथ कुछ नेगेटिव कॉमेंट्स भी आए थे एज़ यूजल तो एक कॉमेंट आया था कि इसमें इमोशनल वाली कौन सी बात है इस वीडियो में मतलब सिर्फ व्यूज़ के लिए ड्रामा किया जाता है या नाटक किया जाता है ऐसा कुछ लोगों ने कमेंट किया है मैंने कोई जवाब भी नहीं दिया मैंने सिर्फ उस कमेंट को मैंने पिन करके रखा हुआ है ताकि वो सबसे ऊपर नजर आए मुझे पता था कि बाद में जो भी लोग वीडियो देखेंगे तो वो जरूर ज़रूर उसको जवाब देंगे मेरी जगह तो मुझे कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है समझना उनके समझ से बाहर है कि कोई अपने मुल्क के अलावा किसी और मुल्क से प्यार क्यों करे बहुत से लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मैंने उर्दू कैसे सीखी और मैं पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों करती हूँ उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है आ, फाइनली पूरा मैंने एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है कि मैंने उर्दू कैसे सीखी और मेरी पाकिस्तान से मोहब्बत की वजूहत क्या है वो सब मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं वीडियो जो है वो मेरी व्लॉग वाली चैनल में है उसका लिंक आपको यहाँ पे या फर्स्ट uh, कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो के लिंक मिल जाएगी तो आप जाके देख लीजिए ताकि फाइनली आपको पता चले uh, कि uh, उर्दू मैंने कैसे सीखी और मैं पाकिस्तान से uh, इतनी मोहब्बत क्यों करती हूँ एंड थैंक यू सो मच आप सबका बहुत शुक्रिया जितने भी लोग uh, अच्छे अच्छे कामेंट्स uh, करते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं और चैनल को सपोर्ट करते हैं कुछ व्यूअर्स मुझे कॉमेंट करके बोलते हैं कि मेरी अम्मी आपकी वीडियोस देखती हैं और आप उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं और आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है तो मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे कमेंट्स पढ़ के आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वो वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी आप ज़रूर वो वीडियो देख लीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कॉमेंट्स में एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा फिर अमैनी